आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग में। आज हम आप लोग को आरा जंक्शन घुमाएंगे। आरा जंक्शन जाने में जितना भी जगह है उन सब के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। अभी हम लोग हैं गांगी पे, गांगी से आरा जंक्शन जाएंगे। यहाँ से आरा जंक्शन की दूरी 3 किलोमीटर है लगभग, और गांगी के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सूर्य मंदिर है। दोस्तों वहाँ छठ के दिनों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो छठ घाट आप लोग को दिखाएंगे और सूर्य मंदिर, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम लोग अब सीधे जाएंगे आरा जंक्शन। और अभी तो रुको, दोस्तों यह गांगी है, जो गांगी के पास एक सूर्य मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आरा का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यही गांगी घाट पे है। यहाँ छठ के दिनों में बहुत ही धूमधाम से छठ मनाया जाता है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही सुकून टाइप का मिलता है। आप यहाँ जो भी सुविधा खोजिएगा वो सुविधा मिल जाएगा। दोस्तों ये सूर्य मंदिर के बाद हम लोग चलने के बाद अब सीधे चलते हैं आरा जंक्शन की ओर। बीच में आप लोग को रमना जंक्शन रमना के पास दिखाएंगे आप लोग को, वहाँ से आप देख सकते हैं रमना मैदान। कल 15 अगस्त था तो बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। जो भी प्रोग्राम होता है तो सबसे आराम में फैल वाला जगह है तो रमना मैदान है। यहाँ से आप हम लोग को आरा जंक्शन लगभग 1.3 किलोमीटर है। हम लोग जाएंगे आरा जंक्शन और दोस्तों दिखाएंगे। जो लोग दोस्तों न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के बाद हम लोग आरा जंक्शन पहुँच गए। अब हम अपना बाइक पार्किंग में लगाएंगे। बाइक पार्किंग में लगाने के बाद हम आप लोग को आरा जंक्शन घुमाएंगे। बाहर से आरा जंक्शन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और हमारे शान का एक झंडा है जो कि हमेशा आप देखिएगा तो लहरते रहता है शान। दोस्तों यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्थित टिकट काउंटर है। यहाँ पे आप लोग को जहाँ भी जाना होगा टिकट मिल जाता है। यह जनरल काउंटर है। अब ऊपर आप लोग को दिखाएंगे रिजर्वेशन टिकट काउंटर। ये दोस्तों जनरल टिकट काउंटर है, 1 से लेकर 8 काउंटर है। जहाँ भी आपको जाना होगा यहाँ पर टिकट मिल जाएगा दोस्तों। चलो भाई बैठा लीजिए। तो ये अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। दोस्तों ये आरा जंक्शन की बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ मधुबनी पेंटिंग भी किया हुआ है, और ये हमारा देश का शान है, भारत माता की जय झंडा है। और यहाँ ऑटो पार्किंग है, आपको जहाँ भी जाना होगा यहाँ से ऑटो मिल जाएंगी। और आगे जो है स्कॉर्पियो पार्किंग है 4-व्हीलर का, आप लोगों को 4-व्हीलर की आवश्यकता होगी तो 4-व्हीलर भी यहाँ से पार्किंग से आप साटा पे कर सकते हैं भाड़ा पे। और दोस्तों अब हम लोग जाएंगे पूछताछ के बाद प्लेटफॉर्म के आगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये आरा जंक्शन का सहयोग कार्यालय है, जो कि आम भाषा में इसको पूछताछ काउंटर बोला जाता है। अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप पूछताछ काउंटर पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, डाक सेवा केंद्र है, जहाँ आप कोई भी कोरियर कीजिएगा तो यहाँ पे आरा डाक सेवा केंद्र पर आ जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उधर 2 है, 3 है, फिर 4 पे जाएंगे। और यहाँ पे खाने पीने की सामान है, जो भी आप लेना चाहेंगे यहाँ मिल जाएगा। अब आगे चलेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उनके पीछे से एक मालगाड़ी ट्रेन आ रही है जो कि बहुत तेज आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं एक ट्रेन आ गई और दोस्तों ये है टिकट चेक, यहाँ होता है, यहाँ पर चीफ टिकट इंस्पेक्टर है। और आगे भी बहुत सारे ऐसा ऐसा ऑफिस है, उस सभी ऑफिसों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अब हम लोग जाएंगे आरपीएफ, जो भी थाना है आरपीएफ थाना के पास आप लोगों को दिखाएंगे। और यह है रेलवे अकाउंट्स कुछ है, और स्टेशन मैनेजर का यहाँ पे है, जो यहाँ पे स्टेशन मैनेजर का रूम है। और आगे रेस्टोरेंट है, यहाँ लेडीज़ वेटिंग रूम है, आप यहाँ पर आप रुक सकते हैं। और आप लोग का ट्रेन लेट है तो वहाँ पीछे हम लोग का सिकंदराबाद एक दानापुर रुकी हुई है ट्रेन। और आप लोग को आज आरपीएफ जो थाना है आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वो आप लोग को हम दिखाएंगे। हमारे ब्लॉग में दोस्तों बने रहिए। जो लोग हमारे ब्लॉग में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम इसी के साथ हम लोग आप लोग को यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं
और ये है रेलवे, जो आरपीएफ का रेलवे थाना है दोस्तों, यही आरा के रेलवे आरपीएफ थाना है, दो दो रेलवे थाना है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। स्टेशन का लिफ्ट है और वो सीढ़ी, आप सीढ़ी से जाना चाहेंगे तो आप सीढ़ी से जा सकते हैं सीढ़ी पे, लेकिन बहुत ही भीड़ है यहाँ। हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं, लिफ्ट बंद है अभी वर्तमान में, कोई स्टॉप टिप दिया होगा तो लिफ्ट तो बंद है, और वो है सीढ़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जहाँ अभी न्यू प्लेटफॉर्म बनी है, और आप लोग को यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का बाहर है वो भी दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 उधर जाइएगा दोस्तों तो बिहारी मिल हो जाएगा। और यहाँ पे मधुबनी का मशहूर जो पेंटिंग होता है, जो मधुबनी का मशहूर पेंटिंग यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी भीड़ होने लगा है अब धीरे धीरे। यहाँ पे एक पैसेंजर गाड़ी रुकी हुई है, सवारी गाड़ी बुकिंग हुई है रूम। आप मधुबनी का पेंटिंग दोस्तों देख सकते हैं, जो कि बिहार में बहुत ही मशहूर है मधुबनी का पेंटिंग। और हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे आप लोग का ट्रेन लेट होगा तो आप वेटिंग कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ टच काउंटर बन चुका है, कुछ टच काउंटर बनने के बाद आप लोग को पीछे दिखाएंगे। यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी पार्किंग बन गई है दोस्तों, यही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 का जो है पीछे का प्लेटफॉर्म नंबर 4, कितना अच्छा सजा हुआ है। अभी कल 15 अगस्त था, उसी के अवसर पर बहुत ही अच्छा सजाया गया है। आप उस पार जाइएगा तो वो रोड हो जाएगा बिहारी मिल, और हम लोग उस तरफ से आए हैं तो वो हो जाएगा गांगी तरफ। यहाँ पे दोस्तों आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ भी पार्किंग का चार्ज 25 रुपया है दोस्तों। आप लोग से एक ही विनती है, हमारा अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करना ना भूले, और कैसा वीडियो बनाए हैं आप लोग कमेंट में बताइए। अगर मेरे से कोई मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप वो लोग भी कमेंट में करके बता सकते हैं। आप लोग मेरे को अपना छोटा भाई समझकर वीडियो में जो भी दिक्कत हो रहा होगा तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है।